जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम की एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन को रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस एस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट टेकिंग द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन हैज फोर पार्ट्स। वी कैन डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट examination passed. It is a discrete random variable because it may assume the finite number of values 0, 1, 2, 3, 4. लेकिन फोर टेस्ट हैं, फोर टेस्ट में जो सक्सेसेस हैं वो ये हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, यानी फोर के फोर टेस्ट पास कर लिए जाएं या इनमें से कोई भी 0 से 4 तक, ये वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। एक और एग्जांपल देखें, कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ कार्स अराइविंग एट अ टोल बोथ। द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज एक्स, नंबर ऑफ कार्स अराइविंग ड्यूरिंग वन डे पीरियड। द पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स कम फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, सो ऑन। नंबर ऑफ कार्स किसी भी एक जगह से अगर वो नंबर ऑफ कार्स अगर काउंट कर ली जाएं कितनी वहाँ से गुजर रही हैं, तो उसका उसकी पॉसिबल वैल्यूज उस रैंडम वेरिएबल की होंगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हैंस एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अस्यूमिंग वन ऑफ द वैल्यूज इन दिस इनफाइनाइट सीक्वेंस। मजीद चेक करें, मजीद देखें इलस्ट्रेशन। व्हेन टू काइंड्स आर टॉस्ड देन इट्स सैंपल स्पेसेस। जब आप काइंड टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस नो डाउट ये बनता है। एक्स, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स। व्हेन टू काइंड्स आर टॉस्ड, नंबर ऑफ हेड्स अगर देखा जाए तो देखें या तो दो हेड्स आएंगे या फिर एक होगा या फिर कोई नहीं होगा, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज ये बन गई हैं 0, 1, 2। अगर आप 3 कॉइंस टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ये बनता है, और इसमें अगर हम x इस तरह से डिफाइन कर लें नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस्ड, देन उसकी पॉसिबल वैल्यूज ये बनती हैं 0, 1, 2, 3, यानी नंबर ऑफ हेड व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस्ड। लेट y बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस्ड, then numerical values of y will be 0, 1, 2, 3। वही अगर आप number of tails की बात कर लें तब भी यही 3 coins tossing में 0, 1, 2, 3 इनकी values होंगी। एक और example देखें, जब आप दो dice roll करते हैं तो ये आपका आपके पास sample space बनता है 36 वाला, और इसमें x इस तरह से define किया जा रहा है sum of darts when two dice are rolled। sum of darts देखें, अब जब हम इनको ऐड करें 1, 1 को 2 होगा, मैक्सिमम अगर आप 6, 6 को ऐड करें तो वो 12 बनता है, जिसका मतलब पॉसिबल सम 2, 3 अप टू 12, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बनेगी। x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 अप टू 12, ये रैंडम वेरिएबल्स x की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। सिमिलरली लेट y बी द रैंडम वेरिएबल इस डिफरेंस ऑफ डॉट्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड देन द वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2, 5। अगर आप डिफरेंस एक वेरिएबल इस तरह से डिफाइन कर लें कि डिफरेंस ऑफ डॉट्स अगर दोनों सेम नंबर हैं तो उनका डिफरेंस 0 आता है, अगर उनमें फ़र्क है तो आप देखें डिफरेंस, अगर 1, 3 में डिफरेंस देखें तो 2 डिफरेंस है। मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, 1, 6 का या 6, 1 का डिफरेंस, ये मैक्सिमम हो सकता है, वो है 5। सो इसकी पॉसिबल वैल्यूज इस वेरिएबल की बन गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज बन जाएंगे। जी जी
ये तो समझ आ गई डाइस का, जो आपने ऊपर उसका कॉइन का बताया ना उसका नहीं समझ आया कि वो जीरो से लेकर वन तक टू तक कैसे हुआ। अच्छा अच्छा कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स जब आप कॉइन दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स कितने बनते हैं, जीरो वन टू, जीरो का मतलब नो हेड, अगर दोनों टेल्स आती हैं तो जीरो वैल्यूज की बन जाएगी, अगर एक हेड आता है तो आप इसका लिखा है हमने वन, अगर बहुत हेड्स हैं तो वो टू। टेल्स की सूरत में भी इसी तरह नंबर ऑफ टेल्स अगर आप काउंट करना चाहें, अगर मैं वेरिएबल इस तरह डिफाइन कर लूँगी नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल्स में दोनों हेड्स हों तो ज़ीरो, अगर एक एच एक टी है तो एक टेल, टी एच है तब भी एक टेल, और दोनों टी टी है तो बोथ टेल्स टू टेल्स। तो क्लियर हो गया, शाबाश। अच्छा अब देखें रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में फाइनाइट नंबर और काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज हों किसी भी वेरिएबल की तो वो होती हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में अभी आपने एग्जांपल देखी कि नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री काइंड्स ऑफ टास्क उसकी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज ये बनी थी जीरो वन टू थ्री। ऐसे ही वेरिएबल आपने डिफाइन किया था सम ऑफ डॉट्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज बनी थी टू थ्री फोर अप टू ट्वेल्व। मजीद इसकी एग्जाम्पल्स देखें, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कॉन्टेक्ट फाइव कस्टमर्स, अगर अगर एक्सपेरिमेंट ये हो कॉन्टेक्ट ऑफ फाइव कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु प्लेस एन ऑर्डर, पांच कस्टमर्स को अगर मिला जाए उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि ये प्रोडक्ट है इसे आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो फाइव के फाइव कस्टमर्स हो सकता है वो ऑर्डर प्लेस कर दें, और हो सकता है उनमें से कोई भी जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस ना करे। सो इसकी पॉसिबल वैल्यूज बनी ज़ीरो वन टू थ्री फाइव अप टू फाइव, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव। इंस्पेक्ट अ शिपमेंट ऑफ 50 सुपर कंप्यूटर्स, 50 सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन है, उस इंस्पेक्शन के दौरान ये चेक करना है कि रैंडम वेरिएबल ये बनाना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव सुपर कंप्यूटर्स। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2 अप टू 50, ज़ीरो हो सकता है डिफेक्टिव हो आइटम, और हो सकता है ऑल आइटम्स में डिफेक्टिव। सो 0, 1, 2 अप टू 50 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बन जाती हैं। ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फॉर वन डे नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो रेस्टोरेंट है उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं वो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये एक सीक्वेंस में लिखा जाएगा 0, 1, 2, 3 अप टू 100। आप इसको डिफाइन अपर एंड इसका डिफाइन नहीं कर सकते, तो लोअर एंड तो हो सकता है कि जीरो हो लेकिन अपर एंड आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेल एन ऑटोमोबाइल, जेंडर ऑफ कस्टमर, ऑटोमोबाइल की सेल में जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसका जेंडर, जीरो इफ फीमेल एंड वन इफ मेल, तो 0, 1 पॉसिबल वैल्यूज बन जाती हैं। और इनके जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि एक इंटरवल में तमाम पॉसिबल वैल्यूज अगर हों तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस variable. A random variable is said to be continuous if it can take on any value in an interval of two numbers. दो numbers के दरमियान किसी भी possible value को अगर वो attain कर सकता है तो उसको हम कहते हैं continuous random variable. Consider the experiment of a worker assembling a product. A random variable that represents the time in minutes required to assemble the product. टाइम टेकन टू असम्बल अ प्रोडक्ट, तो वो टाइम टेकन क्या हो सकता है एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो मिनट। अब इसका जब तक वो प्रोडक्ट असम्बल नहीं करता उस वक्त तक का टाइम वो स्टार्ट हो जाता है जीरो से, और जो उसका अपर एंड हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जीरो एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो। मजीद एग्जाम्पल देखिए, ऑपरेट अ बैंक,
अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट ये ऑपरेट बैंक टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल्स इन मिनट्स, सो कस्टमर अराइवल मिनट्स एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो. फिल अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन मैक्सिमम 12 ounces, नंबर ऑफ ounces, एक कैन है उसको फिल किया जा रहा है और उसकी पॉसिबल वैल्यूज ounces में क्या हो सकती है 0 टू 12. जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 12. ये इंटरवल फॉर्म में लिखा जा रहा है और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. कंस्ट्रक्ट अ न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट आफ्टर 6 months, 6 माह के बाद इसकी प्रोडक्शन इसका कंप्लीशन ऑफ वर्क कितना हो सकता है. हो सकता है 100% हो सकता है वो 0% हो. सो इसकी वैल्यू आपकी 0 to 100 होगी. 0 to 100% ये वेरिएबल अटेन करेगा, इसकी पॉसिबल वैल्यूज होगी इसकी इस रैंडम वेरिएबल की. टेस्ट अ न्यू केमिकल प्रोसेस टेम्परेचर व्हेन द डिजायर्ड रिएक्शन टेक प्लेस मिनिमम 150 डिग्री फारेनहाइट एंड मैक्सिमम 212 फारेनहाइट. के एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस उसका मिनिमम टेम्परेचर उस पर जैसे क्योरिंग होती है समटाइम 150 पे हो जाती है या इससे ऑनवर्ड इसकी अपर लिमिट बताई जा रही होती है कि यहाँ तक ये केमिकल प्रोसेस हो जाएगा. सो 150 टू 212 एक इंटरवल में जब आपके पास वैल्यूज आ जाएं, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. अब बेटा इस तरह से हमने देखना है, इसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज देखनी है. एक तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, रैंडम वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज हमने मेंशन कर लेनी है. और इसके साथ साथ अब हमने ये काम करना है फर्दर कि हर वैल्यूज की उसकी प्रोबेबिलिटी अलॉट करनी है. अगर हम हर वैल्यू रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी वगैरह असाइन कर दें तो यूं हम इसको इसको कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो रैंडम वेरिएबल आपके दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट एक कंटीन्यूअस. सो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस भी हमारे पास दो टाइप्स की हो जाती हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडली क्या होगी कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्क्रीट के अंदर आप देखें द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई द फंक्शन कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये याद रखिएगा PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसको कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को. एंड इट इज डिनोटेड बाय POF(x) या ऐसे लिख लें POF(x) या हम इस तरह से इसको लिखते हैं POF(x) इज इक्वल टू स्मॉल x या हम FOF(x) भी लिख सकते हैं. ठीक है, POF(x) आइदर POF(x) इक्वल टू x विद इन द ब्रैकेट ऑफ कैपिटल x. कैपिटल एक्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल को शो करता है, स्मॉल एक्स जो है वो उसकी सक्सेसेस को शो करता है, उसकी उसकी वैल्यूज को शो करता है उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को. और या फिर हम सिंपली इसको एफ ऑफ एक्स लिखेंगे क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है. एवरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशंस. तो कोई भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये जो दो नीचे दी जा रही हैं ये दो कंडीशंस वो फुलफिल करेगा. मसलन ईच प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1. कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 हो या फिर 1 से ग्रेटर हो. 0 से 1 के बिटवीन होगी या इंक्लूसिवली 0 and 1 इंक्लूसिव. सेकंड है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1. अगर हम तमाम पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज के प्रोबेबिलिटी का सम कर लें तो वो 1 के इक्वल आता है. दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और सेकंड प्रॉपर्टी है कि डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कि तमाम पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है. अब इनके एग्जांपल देखें, बहुत सिंपल हैं. नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस्ड, तो ये आपकी वैल्यूज बन गई 0, 1, 2, 3 और 0 हेड आने के चांसेस इस
सैंपल स्पेस पे गौर करें तो वो बनते हैं 1/8। आखिरी जो आउटकम है टेल 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 जैन 3T, तो इसका मतलब है कि 0 हेड। टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने थे? 8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1/8। अब 1 हेड के चांसेस कितने? 3 हैं, 3 out of 8, 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। सो इस तरह से हमने हर वैल्यूज की, रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमने असाइन कर दी, तो ये हमारे पास बन गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप एंड पर गौर करें कि इसका सम कर लिया जाए, अगर आप पी ऑफ एक्स का सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अगर हमें एक और एग्जांपल दूं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स सम ऑफ डॉट्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, सम ऑफ डॉट्स क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं? 2 to 12, टू मिनिमम सम हो सकता है और 12 जो है वो मैक्सिमम सम हो सकता है। लास्ट टाइम अपने मिड से पहले आपने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटीज, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था उसमें भी हमने ये इस किस्म के क्वेश्चंस किए थे कि अगर जिसका सम 2 हो तो 2, 1 उसका पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप सैंपल स्पेस पे गौर करें तो वो पॉसिबल सम 2 के लिए 1, 1, ये एक आउटकम है। सो 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी द सम इज 2। 3 की प्रोबेबिलिटी बनती है 2/36। क्यों? 1, 2 अगर आपका आउटकम है या 2, 1 है तो इन दोनों का सम 3 बनता है, लिहाजा दो आउटकम्स हैं जिनका सम आपके पास 3 हो सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 2/36। इस तरह से 4 की प्रोबेबिलिटी 3/36, 5 की प्रोबेबिलिटी है 4/36, 6 की प्रोबेबिलिटी है 5/36 एंड 7 की प्रोबेबिलिटी बन गई 6/36। ओवरऑल इस तरह से हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली, और आप सम करके देखें तो 36/36 आता है। लिखेंगे ऐसे, एक कॉलम में आपने x लिख लेना है, दूसरे कॉलम में आपने p ऑफ x लिख लेना है। यही अगर एग्जांपल हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, x से क्या मुराद है? डिफरेंस ऑफ डॉट्स। तो डिफरेंस ऑफ डॉट्स में क्या होता है? या डिफरेंस जीरो होता है या डिफरेंसेस दिखा भी दिए गए हैं। जीरो, ये जो एक डायगोनल के एलिमेंट्स आ रहे हैं 0, 0, 0, इसका मतलब है कि जो सिमिलर वैल्यूज हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, इनका डिफरेंस ले लिया गया तो वो जीरो है। इसी डायगोनल से ऊपर जाएं तो 1, 1 का डिफरेंस शो हो रहा है, इसी डायगोनल से नीचे आए तो फिर वो भी 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो 1, 1 का डिफरेंस जनरेट कर रही हैं। सो 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 10/36 और 0 की प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल के 0 की प्रोबेबिलिटी बनी 6/36। और अगर देखा जाए तो 5 जिसका डिफरेंस आता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, 5 एंड पर आ रहा है और 1, 5 नीचे बिल्कुल बॉटम पर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, तो उन दो वो दो केसेस बन गए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 2/36। अब फिर आप ऐसे ही करें कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इनकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज, ये जो हमने यहाँ मेंशन कर दी है, इनको सम करें तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों बेटा कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एक तो वैल्यूज किसी भी वेरिएबल की ना तो 0 से कम है और ना 1 से ज़्यादा है, यानी ना ही नेगेटिव है और ना ही 1 से एक्सीड की हुई है। तो यहाँ तक हमने एक हमने स्टडी कर लिया। मैं दोबारा इसको रिव्यू कर देता हूँ। रैंडम वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से जनरेट होता है, और ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है। इसके एग्जांपल्स हमने देखी कि जब दो काइंस टॉस करते हैं तो फिर नंबर ऑफ हेड्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 0, 1, 2। इस तरह से हमने देखा अगर 3 कॉइंस टॉस करें, अगर हम यूं डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स, सो उसकी पॉसिबल वैल्यूज बन जाती हैं 0, 1, 2, 3। अगर हम टेल्स की बात करें तब भी वो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज बन जाती हैं। अगर आप दो डाइस रोल करें तो आपको पता है कि ये सैंपल स्पेस है 1, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरह से 6, 6 तक का एक सैंपल स्पेस बन जाता है। और ये डिफाइन किया जा रहा है एक्स को, सम ऑफ डॉट्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज
दो से लेकर 12 तक है, और अगर आप डिफरेंस की बात कर लें तो वो उनका डिफरेंस 0 से 5 तक उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड स्टोकास्टिक वेरिएबल। ये इसको जरा गौर कर लीजिएगा, नोट कर लें, स्टोकास्टिक वेरिएबल्स एक रैंडम वेरिएबल का नाम ही है, अ सिंपली वेरिएबल। जब आप स्टेटिस्टिक्स के कोर्स में जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारा स्टोकास्टिक या रैंडम वेरिएबल ही होगा, चांस वेरिएबल भी कहते हैं इसे। अब इसकी आगे फर्दर हमने कहा कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट के अंदर अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर वो विद इन एन इंटरवल उसकी वैल्यूज हो तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ये जो एग्जांपल्स हैं डिस्क्रीट की हैं, सम ऑफ डॉट्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड 0, 2, 2, 1, 2, 3 अप टू 12, इस तरह से नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री काइंड्स ऑफ टास्क आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मोर एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर इफ द एक्सपेरिमेंट इज टू कॉन्टैक्ट 5 कस्टमर्स देन नंबर ऑफ कस्टमर्स हु प्लेस एन ऑर्डर द पॉसिबल वैल्यूज आर 0, 1, 2, 3 अप टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल स्पेक्ट्रा शिपमेंट ऑफ 50 सुपर कंप्यूटर्स की इंस्पेक्शन के केस में इसकी पॉसिबल वैल्यूज बन जाती हैं 0 to 50। ऑपरेशन रेस्टोरेंट फॉर 1 डे उसकी पॉसिबल वैल्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये काउंटेबल इनफाइनाइट की एग्जाम्पल है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। सेल एन ऑटोमोबाइल जेंडर जेंडर ऑफ द कस्टमर 0, 1, 0 फॉर फीमेल एंड 1 फॉर मेल। कंटिन्यूस केस के अंदर कुछ एग्जाम्पल देखें, ऑपरेट एन बैंक इसमें जो यूनिट है वो मिनट्स का है कि कितने कितना टाइम कस्टमर्स के अराइव में होता है वो 0 x < 0। सॉफ्ट ड्रिंक को फिल करना है उसका मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो है 12 ounces, सो नंबर ऑफ ounces 0 to 12, ठीक है 0 to 12 ounces। कंस्ट्रक्ट अ न्यू हॉस्पिटल इसका इसका यूनिट है परसेंटेज, कंप्लीशन वर्क इन परसेंटेज सो वो 0 to 100 एक इंटरवल बन जाता है, वो कितनी भी परसेंटेज हो सकती है ना। टेस्ट अ न्यू सॉरी टेस्ट अ न्यू केमिकल प्रोसेस टेम्परेचर व्हेन द डिजायर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस मिनिमम टेम्परेचर इज 150 फारेनहाइट एंड मैक्सिमम 212 डिग्री फारेनहाइट। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज 150 टू 212 एंड दिस कैन बी रिटन एज 150 लेसर इक्वल्स टू एक्स लेसर इक्वल्स टू 12 जी 212। सही जो में इंटरवल दिया जाता है ये इसको हम कंटीन्यूअस इसलिए करते हैं कि इस इंटरवल के अंदर इनफिनिट में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वैल्यूज की, के ये अगर हमारा ऑपरेटर बैंक है जो जीरो से ग्रेटर है उसके अंदर तो ऐसे इनफिनिट है, लेकिन अगर हमारा पीला सॉफ्ट ड्रिंक है ना ये 0 से 12 के दरमियान है नंबर ऑफ कॉन्सेस, हम इसके जितने भी प्रिसीजन में जाना चाहे हम जा सकते हैं, जितने भी आफ्टर डेसिमल जितने भी फिगर्स में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, इसलिए हम एक बाउंड्री रेंज दे दी जाती है। नहीं, कार्डिनल्स को यूँ समझें कि वो हर पॉसिबल वैल्यूज अगर वो अटेन कर सकता हो, जैसे वो किसी इंटरवल में अगर वो 0 से 1 तक भी कोई वैल्यू है तो वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज अटेन कर सकता हो। डिस्क्रीट होता है कि सिंगल सिंगल पॉइंट है, सिंगल सिंगल पॉइंट, मतलब मैं मिसाल देता हूँ 0 एक पॉइंट ले लें, अगर आप फर्ज कर लें 0.5 है और फिर आगे 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, तो अगर ये इस तरह के साइज समटाइम होते हैं कॉलर साइज हैं या शूज़ के साइज होते हैं तो ये डिस्क्रीट है। इसका मतलब होता है अगर 0 और फर्दर 0.5 है तो 0 और 0.5 के बिटवीन नंबर ऑफ शूज़ अवेलेबल नहीं है, शूज़ या आपको 0 साइज़ का मिलना है या फिर आपको 0.5 साइज़ का मिलेगा। इससे अगर आप डिमांड करते हैं कि 0.25 का भी साइज़ हो,
पॉइंट यानी इसके बिटवीन कोई भी आप अगर आप मेंशन कर दें तो वो अवेलेबल ना हो, वो अवेलेबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्क्रीट है। सिंगल सिंगल यानी एक पॉइंट के बाद जंप आता है तो वो डिस्क्रीट होता है। वो जंप कोई भी हो सकता है, वन यूनिट का हो सकता है, टू यूनिट का हो सकता है, कितने भी यूनिट का हो सकता है, शॉर्टेस्ट उस एक यूनिट से कम का भी हो सकता है। सो आप देखिए कॉलर साइज देखते हैं गारमेंट्स के अंदर देखते हैं तो आप देखते हैं कि 15 का साइज है, फिर आप कहते हैं 15.5 का साइज है, 15 और 15.5 के दरमियान और साइजेस अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर डिस्क्रीट। कंटिन्यूस होता है कि अगर किसी भी इंटरवल में मतलब 15 और 15.5 के दरमियान तमाम पॉसिबल वैल्यूज अगर वो पॉसिबल हों तो उसको कंटिन्यूस कहना है। कंटिन्यूस के अंदर आप वॉल्यूम ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, इस तरह के या मैस है उस वो ले लेते हैं वेरिएबल। सो इस किस्म के जो वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, वो पॉसिबल होते हैं। मतलब पानी है, वॉल्यूम है, जब हम कहते हैं कि ये 1 लीटर आप उसको भरना शुरू करें तो 0 से वो स्टार्ट होगा और ये अगर 1 लीटर तक हमने फिल करना है तो वो उसने एक हर पॉसिबल वैल्यू को अटेन किया करना है, उसको उस हर वैल्यू में से गुजरना है। एज को चेक कर लें, एज अगर किसी बच्चे की एज 1 ईयर है तो उसने एक एक लम्हा एक एक हर चीज़ वहाँ से वो गुजर के गया है उस एज से, 0 से 0 to 1 year। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से वो उधर से नहीं गुजर के गया। इस तरह हाइट चेक करें, पौधे की हाइट है तो पौधा एक बीज बोया जाता है तो साइज उसका 0, जैसे वो पौधे का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। एक पौधा अगर 2 फुट का है तो इसका मतलब है कि उसने हर पॉसिबल वैल्यूज हाइट की अटेन की है, किसी भी वैल्यू को उसने मिस नहीं किया। सो इस तरह के वेरिएबल्स कंटिन्यूस होते हैं। डिस्क्रीट के अंदर अभी मैंने ऐसी मिसालें दी जिसके अंदर डेसिमल भी आ रहे हैं, 15.5, 16.5, 18.5, इस तरह साइजेस होते हैं। कभी आपकी वेस्ट का साइज होता है, कॉलर साइज होता है, शूज का साइज होता है, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ साइजेस की बात आ रही होती है। तो उस वक्त आप इसको देख सकते हो कि यहाँ डिस्क्रीट है, जहाँ पॉसिबल हो कि अवेलेबल हो और पॉसिबल हो तो वो आप कहोगे ये इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस है, वरना डिस्क्रीट है। जी आप कोई क्वेश्चन करें प्लीज, एक्सप्लेनेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरा पूछें जो कुछ पूछना चाह रहे। जी क्लियर है? ओके ओके। अच्छा बेटा ये भी क्लियर है कि हमने लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि हर पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस को देखते हुए हम उसको काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर हम हर वैल्यू के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी मेंशन कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं या सिंपली हम इसको कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हम हर वैल्यू और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करें और फिर उनको सम कर लें तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल मिलती है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, ये देखें मल्टीप्लाइंग ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। उसकी प्रोबेबिलिटी हर रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें एंड देन एडिंग दीज प्रोडक्ट्स और फिर इसको ऐड कर लें, सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन।
फॉर एग्जाम्पल लेट रैंडम वेरिएबल x assumes the values x1, x2 up to xn with probabilities p of x1, p of x2, p of x up to p of xn. Then the mathematical expectation written as E, capital E of x, mathematical expected value of x. या आप सिंपली आप कहेंगे expected value of x, और इस तरह से define करेंगे x1 p of x1, यानी आपने पहली value को उसकी probability से multiply कर लेना है, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू को उसकी प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है x2 p of x प्लस, और ये सिलसिला जारी रखें और यहाँ तक कि एंड वैल्यू तक आ जाए, यानी xn into p of xn प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यू एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और आखिर में इनको हमने सम कर लेना है. तो उसको आप शॉर्टली इस तरह से लिखेंगे समेशन xi p of xi. नोट, sometimes expected value of x is also known as expected value of x, yani mathematical expected ko value ko hum kehte hain expected value of x. Expected value of x is a population mean, ye mean ke equal hota hai. Expected value mean ko kehte hain. If population mean is mu, then this equals to this x, yani dekhiye expected value of x is equal to mu. Mu is a parameter, is a population parameter, population mean. Theorems on कुछ results हैं expected value के. अगर आप constant के expected value लें तो constant होता है. Constant अगर आप किसी variable के साथ multiply हो रहा हो, फिर आप अगर आप expected value लेते हैं तो constant value पहले multiply होगी, फिर आप expected value of x लिख सकते हैं. इसी तरह से आप expected value of ax plus plus हो या minus हो, plus है तो आपने plus रहने देना है, माइनस है तो फिर माइनस प्रेट होगा. ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी या माइनस बी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी ओवर सी, यानी वन बाई सी एज अ कांस्टेंट हम शुरू में लिख सकते हैं. इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कांस्टेंट आप कॉमन ले सकते हैं, और बी जो है जस्ट सिंपल ए कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होती है. जैसे हमने कहा था कि मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ. फिर अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो फिर उनके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई, अगर ये माइनस में आता है तो फिर वो साइन इसका यहाँ माइनस का ही होगा. ठीक है, प्लस माइनस ये नहीं रखना, यहाँ लिखना चाहें तो वो लिखा जा सकता है, यानी आप प्लस माइनस साइन दे सकते हैं. ऐसे ही यहाँ भी आप प्लस माइनस साइन यहाँ लिखा जा सकता है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेरिएबल्स, बल्कि ये कहना चाहिए आर एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखना जरूरी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. रिमार्क्स में देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इसको आप एक्स ये यूं आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं. अगर एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू हो तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी के साथ. देखें, जब आप प्रोबेबिलिटी किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर लें तो, यानी अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर लिया जा रहा हो तो प्रोबेबिलिटी वही रहती है. ठीक है, चांसेस वही रहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज. फिर एक और रिजल्ट है यहाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है. वन ओवर ये नोट कर लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर एक्स नॉट इक्वल टू वन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसके इक्वल नहीं होता. फिर जब आप रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस की बात करें या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो फिर उसका फॉर्मूला यहाँ नोट कीजिएगा. उसको हम इस तरह से लिखते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. अभी हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखें ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर.
या फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, या आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। नो डाउट जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। वेरियंस रिमार्क्स इन शॉर्ट जितनी भी डिस्कशन हुई उसको देखें, वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, वेरियंस ऑफ सी एक्स यानी सी फॉर कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स यानी कॉन्स्टेंट का अलग से अगर वेरियंस ले लिया जाए तो वो जीरो होता है। हाँ अगर वेरिएबल के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्क्वायर होकर बाहर आएगा वेरियंस से, जैसे अभी यहाँ नंबर टू में हमने यहाँ लिखा है सी कॉन्स्टेंट है तो जब वेरियंस में वेरियंस फंक्शन में है तो वो सी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। बिल्कुल वही बात यहाँ है कि कॉन्स्टेंट बी का वेरियंस जीरो और कॉन्स्टेंट ए अगर क्योंकि एक्स के साथ है वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट सूरत में आप दोनों की फॉर्म में कि एक्सपेक्टेड वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई है, अगर ये माइनस है तो माइनस में लिखा जाता है। एक्सक्यूज मी इस नंबर को आपने ना अभी डिलीट कर देना है, ठीक है यहाँ तक आपने याद रखना है। बेसिकली होता यू है कि वो चाहे प्लस हो या वो माइनस हो तो वो प्लस के ही इक्वल होता है, ठीक है इंडिपेंडेंट की सूरत में। माइनस भी हो तब भी ये प्लस आता है साइन, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया है। आगे इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स में कि आपके पास कोई एक वेरिएबल दिया है रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यूज दी हुई हैं माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज गिवन है आपको 0.2 0.1 0.3 0.3.1, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और तमाम वैल्यूज को सम कर लें 1 के इक्वल आ रहा है, सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्या करना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपने ये काम करना है कि एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब दो इनको कॉलम्स की फॉर्म में लिखें, एक्स की तमाम वैल्यूज को माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू इनकी वैल्यूज को हमने लिखा कॉलम्स की फॉर्म में, इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी को कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया और देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने इसको सम कर लिया। सो यहाँ जीरो आ रहा है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। देख लें प्रोसीजर को समझ लें, हर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया और एंड पर सम कर लिया। जब आपने वेरियंस फाइंड करना है तो वेरियंस फाइंड करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, एक्स स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ 4 बनता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से तो आंसर बना 0.8। या आप ये काम करें कि एक्स पी ऑफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, राइट सो इस तरह हर वैल्यू आपने कंप्यूट कर लेनी है, ओवरऑल सम निकाल लेना है और ये आपके पास 1.6 इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाती है। वेरियंस का फॉर्मूला यू नो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया वेरियंस ऑफ एक्स का विच इज 1.6। और यूं ही सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप देखें इसको आप वैल्यूज पुट कर दें। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है 0, 0 प्लेस करें, सो 2 टाइम्स 0 माइनस 3 इज माइनस 3। आंसर इस क्वेश्चन में मिल गया आपको 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 इज माइनस 3। यही वही वाली बात कि इसको नोट कर लें कि वेरियंस ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर वेरियंस ऑफ x के इक्वल है, वेरियंस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेरियंस ऑफ x, 4 टाइम्स 1.6 व्हिच इज 0.464।
राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स की वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइंड आपको क्या करना है, डिटरमिन एक्सपेक्टेड डेली डिमांड फॉर ट्रांजिस्टर्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू में आप इस पहले कॉलम को डिमांड को अपने एक्स डिक्लेयर कर लें, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है उसको पी ऑफ एक्स डिक्लेयर कर लें, ओके। और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स और उसको सम कर लें, यूं मिल जाएगा आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और आल्सो ऑब्टेन वेरियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वेरियंस भी फाइंड करें। वेरियंस फाइंड करने के लिए एक कॉलम आपको और बनाना होगा, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने काम किया, और बिल्कुल उसी तरह से हमने ये वेरियंस फाइंड कर लेते हैं, राइट। इस पर गौर कीजिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में ये चीज़ें आ रही हैं, क्या आप इसका मीन फाइंड करेंगे, आप इसका वेरियंस फाइंड करेंगे, या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। फाइंड वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स है रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी, हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। सो जब आपसे कहा जाए कि इसका वेरियंस फाइंड करें, तो आपने वेरियंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वेरियंस का फॉर्मूला फॉर रैंडम वेरिएबल वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो दो कॉलम्स आपको बनाने होंगे, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स और एक कॉलम बनेगा आपका एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। इन दोनों को सम करें, फॉर्मूले में पुट करें, और सो इस तरह से आप वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से बेटा, वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स और पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है, या वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। और इसी से फर्दर एक स्टेप आगे उन्होंने कहा कि वेरियंस ऑफ वाई भी फाइंड करें, वेरियंस ऑफ वाई यानी 2x माइनस 1, और इसको आप फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपको पता है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केयर होकर बाहर आता है, सिंपल अलग से कांस्टेंट का वेरियंस जीरो होता है। सो वेरियंस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स अभी आपने फाइंड किया वो 1 है, तो 4 × 1। सो आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस को देखा, इस पर अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज प्लेस योर क्वेश्चन। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ तक हमने इसको स्टडी किया हुआ है, इज इट ओके? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टडी करेंगे, टॉपिक आएगा हमारे पास वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तैयार रहिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने दोनों कवर कर लिए टॉपिक, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज, ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज।